आपको पता है मैंने किस आइटम में पार्टिसिपेट किया है? नहीं नहीं चलो मैं खुद ही बताता हूँ। मैंने KKHD में ड्राइंग में पार्टिसिपेट किया है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अर्थम है और मैं KK ब्लॉसम स्कूल में 7th क्लास में पढ़ता हूँ। मुझे ड्राइंग करना बहुत पसंद है। ड्राइंग के साथ साथ मुझे सिंगिंग और गाने सुनना भी बहुत अच्छा लगता है। जब भी मैं फ्री होता हूँ तो मैं ड्राइंग, सिंगिंग या डांसिंग कर लेता हूँ। मुझे फ्री टाइम में ये करना बहुत अच्छा लगता है। और स्कूल में मुझे साइंस सब्जेक्ट और इंग्लिश सब्जेक्ट बहुत पसंद है। मुझे साइंस इसलिए पसंद है क्योंकि उसमें बहुत सारी नई चीज़ें हमें सीखने को मिलती है, और इंग्लिश क्योंकि मुझे इंग्लिश आसान लगती है। स्कूल में मेरी ड्राइंग की तारीफ सब बच्चे करते हैं और मेरे साथ साथ और भी बच्चे अच्छी ड्राइंग करते हैं। मैं उनको भी प्रोत्साहित करता हूँ कि वो भी अपनी ड्राइंग को बरकरार रखें। रनिंग करना बहुत अच्छा लगता है और मैं हर रोज कराटे जाता हूँ और मेरे स्कूल में भी सुबह कराटे होते हैं और मुझे बहुत मजा आता है। मैं अभी ऑरेंज बेल्ट हूँ और अभी कुछ दिनों में मैं सोच रहा हूँ कि मैं ग्रीन बेल्ट की ग्रेडिंग दे सकूँ। घर में मुझे बिना गाने सुने मेरा दिन नहीं कटता और पढ़ाई तो मैं कर ही लेता हूँ। मुझे करना बहुत अच्छा लगता है और हर साल मैं कोई ना कोई पोजीशन लाता ही हूँ। स्कूल में जितने भी ड्राइंग के कंपटीशन होते हैं उनमें मुझे पार्टिसिपेट करने में बहुत मजा आता है और मैं प्राइज भी जीतता हूँ। मेरे मम्मा पापा मेरी हर डिमांड को पूरा करते हैं। वो मुझे ड्राइंग का सामान या फिर कुछ भी मैं उनको बोलूँ तो वो मुझे दे देते हैं। मैं उनका बहुत थैंक यू करता हूँ। आई एम भास्कर चौधरी, मैं अर्थम सिंह का पिताजी हूँ और इसने ड्राइंग कंपटीशन में पार्ट लिया था और सारे राउंड क्लियर करने के बाद अब ये फाइनल्स में पहुंचा है। ये हमारे लिए, पूरे परिवार के लिए एक बहुत ही सुखद बात बोल लीजिए वो है, और इसको आगे के लिए बेस्ट विशेस। हम चाहेंगे कि ये लाइफ में ऐसे ही आगे बढ़े और हार्डवर्क करता रहे, कभी हिम्मत ना हारे। बाकी किसमें कितना है, दम के माध्यम से ये आगे बढ़ा है, उनके लिए हम बहुत बहुत तहे दिल से शुक्र करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा और आगे इसको बढ़ाए। नमस्कार सभी को, मैं अर्थम सिंह की मदर हूँ और आज मैं बहुत खुशी से और बहुत गर्व से अर्थम सिंह के बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ। जब से अर्थम ने किसमें कितना है दम में पार्टिसिपेट किया है, वो ही नहीं, हम सब घर वाले बहुत ही उत्साहित हैं और वो पूरे मन से इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। मैं थोड़ा सा उसके बचपन के बारे में आप सबसे शेयर करना चाहूँगी। बचपन से ही उसको बहुत कलरिंग का, पेंटिंग का और चीज़ों का, बहुत म्यूज़िक का बहुत ज़्यादा शौक था। बचपन में वो दीवारों पे छोटी छोटी सी ड्राइंग्स करता था, जिसकी कि हर एक ड्राइंग की हमने उसकी फ़ोटोग्राफ खींच के रखी हुई है और आज भी हम उसको देख के उसके बचपन को याद करते हैं। वो 2.5-3 साल का था तब से ही वो वॉल्स पे पेंटिंग करना शुरू किया था। हमने तभी सोच लिया था कि आगे चल के हम इसको ड्राइंग का मैं अच्छा सा सिखाएंगे।
सोलन एक बहुत ही छोटा शहर है, यहाँ पे उस तरह की क्लासेस और उस तरह की फैसिलिटीज नहीं है जैसे बड़े बड़े शहरों में होती है, बट स्टिल उसके अकॉर्डिंगली अर्थम ने बहुत ज़्यादा अपने आप को ग्रूम किया है ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा और आर्ट टीचर के सहयोग से, प्लस स्कूल में जो उसको सहयोग मिला है उसके फ्रेंड्स का, उसके टीचर्स का, उसको हर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला है, म्यूजिक में उसका बहुत इंटरेस्ट है, आगे चल के वो कहता है कि मुझे आर्टिस्ट ही बनना है, तो इन सब सारी जो उसकी प्रतिभाएं हैं उन सबको डिफरेंट मंच मिले हैं निखारने के लिए। सो एक तो मैं किस्में कितना है डम की टीम का बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि हर लेवल पे उसको इनकरेज किया गया है डिफरेंट एक्टिविटीज के द्वारा, जहाँ जहाँ भी कॉम्पिटिशन्स हुए हैं वहाँ पे उसको बहुत इंकरेजमेंट मिली है किस्में कितना है डम की टीम के द्वारा। और मैं उसकी टीचर्स का और के ब्लॉसम स्कूल का भी धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने कभी भी उसको किसी भी चीज़ के लिए डिस्करेज नहीं किया है और हर तरह के जो स्कूल में बोर्ड्स बनते थे, कॉम्पिटिशन्स होते थे ड्राइंग के लिए, डिफरेंट स्कूल्स के साथ इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स होते थे तो वहाँ पे हर जगह उसको भेजा जाता था जिससे कि उसकी प्रतिभा को एक निखार मिला है और वो इसमें कितना है दम के फाइनल्स तक पहुंच पाया है। पढ़ाई के मामले में कभी भी मुझे या उसके फादर को उसको पढ़ने के लिए नहीं बोलना पड़ता है, वो सुबह अपने आप उठ के 4-5 बजे वो उठ जाता है और अपनी पढ़ाई पूरी करता है और उसने अपना हर चीज़ का टाइम टेबल बनाया हुआ है, हमें उसको बिल्कुल भी उस तरह से देखना नहीं पड़ता है। हम अपनी दिनचर्या की शुरुआत पूजा से करता है, वो हनुमान चालीसा रोज पढ़ता है और सूर्य को जल अर्पण करता है और भगवान से उसने ये प्रार्थना की है कि वो इसमें कितना है दम के फाइनल्स में जीते और उसके लिए वो पूरी प्रैक्टिस कर रहा है, पूरी मेहनत कर रहा है और मैं आशा करती हूँ कि किसमें कितना है दम क्या फाइनल्स भी हो हम जीत के दिखाएगा। बट एज अ पेरेंट हमने बच्चे को ये कहा है कि आपका पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, हार और जीत चली रहती है, तो ये चीज़ हमने उसके दिमाग में रखी है कि बेटा आप जीत गए तो बहुत अच्छा है और आप नहीं भी जीतते हैं तो भी हमारे लिए बहुत अच्छा है। सो हमने उसको एक ओपन माहौल देने की कोशिश की है जिसमें कि वो अपने टैलेंट को निखारें और प्रेशर में ना आए। सो इसके लिए मैं किस्में कितना है दम की टीम को भी कि उन्होंने भी हमेशा बच्चे को से बात करके उसको इनकरेज किया है, बहुत अच्छा माहौल दे के कॉम्पिटिशन के दौरान, अदरवाइज बच्चे क्या होते हैं कि जब उनका वो फिनाले या कुछ ऐसा राउंड हो रहा होता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन अगर कॉन्जीनियल इन्वायरमेंट मिले बच्चे को कॉम्पिटिशन के दौरान तो बच्चा बहुत अच्छा करता है। सो मैं सभी पेरेंट्स को ये बताना चाहूँगी कि किस्में कितने डम की टीम ने बच्चों के साथ पूरा सहयोग किया है, उनको पर्सनली इनकरेज किया गया हर राउंड में, क्वार्टर फाइनल्स में, सेमीफाइनल्स में, कि बच्चा बैठ के प्रॉपर टाइम उनको दिया गया है अपनी पेंटिंग्स को कंप्लीट करने के लिए। सो मैं बहुत आभारी हूँ किस्में कितना है दम की टीम के कि उन्होंने एक बच्चे के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप उठाया है इस फिनाले में बच्चे को पार्टिसिपेट करवा के और उसका बायोपिक बना के। सो थैंक यू किस्में कितना है दम।
अर्थम को कराटे किक बॉक्सिंग का भी बहुत शौक है, तो उसने डिस्ट्रिक्ट और स्टेट खेला है कराटे में, और किक बॉक्सिंग में ये उसके सर्टिफिकेट हैं डिस्ट्रिक्ट के, और ये जूडो में। चाहे वो खेल कूद हो या फिर ड्राइंग हो या म्यूजिक हो, तो हर एक्टिविटी में अपने आप को आगे रखता है, तो इसके लिए हमें बहुत खुशी होती है कि वो हर चीज़ में पार्टिसिपेट करता है। दादाजी से सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो खाना मेरे हाथ से ही खाते हैं और सुबह का नाश्ता व दिन का नाश्ता भी मेरे हाथ से ही खाते हैं। उनको मेरे हाथ का खाना बिल्कुल अमृत जैसा लगता है और वो किसी और के हाथ से खाना खाते ही नहीं है। मेरे दादाजी को मेरी करी हर चीज पे गर्व होता है, चाहे वो छोटी सी छोटी चीज हो या अभी जैसे ड्राइंग कंपटीशन में मैंने पार्ट लिया है तो उसमें भी उनको बहुत गर्व है। जब मेरे दादाजी को यह पता चला कि मैं फाइनल राउंड तक पहुंच चुका हूं, उनको बहुत खुशी हुई और उनको मुझ पे गर्व भी हुआ। वे मुझे हर रोज कंग्रेचुलेट करते थे और मुझे भी बहुत अच्छा लगता था। नमस्कार जी, ये अर्थम सिंह मेरा पोता, मेरा नाम केसर सिंह है, ये मेरा पोता लगता है और मैं इसके पिंजरे का तोता हूँ, क्योंकि मैं इसका दादा हूँ, तो मेरे कोई बड़ी व्यक्ति से। और इसमें एक कुछ ऐसी बात है, मैं भी अपने टाइम में 16 घंटे पढ़ता था जी, अब ये इसने मेरा भी रिकॉर्ड तोड़ दिया भाजी। सवेरे 4-4 बजे भी उठ जाता है, उसको बोलता भी इतना मत कर, बहुत लोड पड़ेगा, तो नहीं बिना मैं उठता हूँ 5-5 बजे, ये उससे पहले उठ के मतलब इसका उठने का बड़ा मेरे को उससे बड़ी खुशी है, जबकि इसके पापा जो है वो 8-10 से पहले नहीं उठता, तो इसमें ये गुण है वो, तो इससे मेरे को लगता है कि डेफिनेटली ही विल बी सक्सेसफुल इन एवरी स्फीयर। और आशीर्वाद तो बगैर दे आशीर्वाद है, इसको इसमें हैज गॉट सो गुड नेचर। ये मेरे बहुत अच्छे दादा हैं और ये मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी इनसे बहुत प्यार करता हूँ। भाई ब्लड इज थिकर देन वाटर। मेरा तो दोस्त है ये, टू बी वेरी फ्रैंक, मेरे पिछले बर्थडे पे मेरे को तो याद नहीं था भी आज मेरा बर्थडे है, जो कि 26 सितंबर 1941 था, तो इसने मेरे को मैं बिल्कुल उसको पूजा कर रहा था, इसने कहा दादा ये मेरा आपको बेस्ट विशेष का है, हैप्पी बर्थडे, तो मैंने कहा इसको यहाँ रख दे, पर ये चला गया। फिर मैंने पूजा के बाद मैंने इसको देखा भी क्या लिखा हुआ इसने, तो इसमें इसने एक ऐसी बात आखिर में लिख दी, हर पल खुशी रहती है, नहीं आती कोई आंधी गम की, क्योंकि मैं सुरक्षा कवच की एक दीवार खड़ी है मेरे दादा के नाम की। डॉगी भी है, उसका नाम सुल्तान है, मैं उसके साथ पूरे दिन खेलता हूँ। कभी वह, क्योंकि सुल्तान बहुत शरारती है तो मुझे भी उसके साथ बहुत मजा आता है। कभी सुल्तान घर से बाहर भी भाग जाता है तो मुझे सबको टेंशन होती है, लेकिन मुझे तो बहुत हंसी आती है, पर वह वापस भी आ जाता है। मैं और सुल्तान बहुत अच्छी तरह से पूरे दिन खेलते रहते हैं और मुझे बहुत मजा आता है। मैं अरिस्ता, अर्थम मेरा छोटा भाई है और वो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव है।
वो जब भी किसी का बर्थडे होता है तो लाइक वो गिफ्ट्स लेने नहीं जाता है, वो कार्ड्स और उसमें ही अपना प्यार दिखाता है, मतलब इतनी सुंदर ड्राइंग्स और क्रिएटिविटी दिखाता है। हमारे बीच काफ़ी नोकझोंक होती है पर उससे ज़्यादा हमारे बीच में प्यार है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ लक्षिका। अर्थम मेरा छोटा भाई है। जब भी मैं उसके घर जाती हूँ ना, वो कुछ ना कुछ ड्राइंग कर ही रहा होता था, मतलब कुछ भी बना रहा होता था, कभी फ्री नहीं बैठा, मतलब बहुत प्यार करता है मेरे से। वो केकेएचडी के फाइनल राउंड में पहुंच गया है और हम सबकी यही विश है कि वो जीत के आए और हम सबको ऐसे प्राउड फील कराए। आयुषी और मैं अर्थम की बड़ी बहन हूँ। जब भी मैं उसके घर जाती थी वो कुछ मतलब अपने पढ़ रहा होता था, फ्री नहीं बैठता था, वो ज़रूरी नहीं है उसकी टेस्ट है या एग्ज़ाम चल रहे हैं, वो बस पढ़ता रहता था, हार्ड वर्क करता रहता था और वो साथ ही साथ सबको इंस्पायर करता था, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा। वो सबको ऐसे बताता था कि अच्छा करना है ये और फ्री नहीं बैठना है, हार्ड वर्क करना है, और मतलब सबको इंस्पायर करता था, सबको चाहे छोटा या बड़ा, सब बेस्ट ऑफ लक अर्थम। ये है मेरा छोटा भाई अर्थम, जो दिखने में तो बहुत मासूम है पर असलियत में बिल्कुल भी नहीं है। मतलब ये बहुत शरारतें करता है पर प्यार भी मुझसे उतना ही करता है। क्रिएटिविटीज में भर मतलब भर ही हुई है बहुत ही ज़्यादा, लाइक बहुत ही आर्ट एंड क्राफ्ट, वॉल्स भी नहीं है, वॉल्स भी इसमें भरी हुई है, नोटबुक्स, ड्राॅइंग फाइल्स, सब कुछ। लाइक आई विश हिम द बेस्ट फॉर हिज फाइनल्स। में मैंने पार्टिसिपेट किया तो वहाँ पे मुझे बहुत मज़ा आया, मुझे वहाँ पे स्ट्रेस नहीं हुआ बल्कि मुझे और भी मज़ा आने लगा। जितना मज़ा मुझे घर पे आता है उससे दुगना मज़ा मुझे वहाँ ड्राइंग करने में आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं तो अब जीत ही जाऊँगा और मैंने सारे राउंड क्लियर करके अब मैं फाइनल में आ गया हूँ, तो मुझे और भी खुशी हो रही है। मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था पर एक दिन किसमें कितना है दम की टीम में से एक अंकल हमारे स्कूल में आए और उन्होंने हमारे असेंबली में हमको बहुत चीज़ें बताई। मैंने उसको सुना और मुझे भी मन करा कि मैं भी इस कंपटीशन में जाऊं। मैं किसमें कितना है दम के कंपटीशन में मैंने पार्ट लिया और उससे मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिला और मेरी ड्राॅइंग को लोग और भी अप्रिशिएट करने लग गए। सभी राउंड क्लियर करके अब मैं फाइनल राउंड में पहुंच चुका हूं और मैं बहुत खुश हूं। नमस्कार, आई एम समीक्षा चौधरी, प्रिंसिपल KK ब्लॉसम्स स्कूल सोलन, हिमाचल प्रदेश। आज मुझे बहुत गर्व है और खुशी है कि हमारे स्कूल का एक विद्यार्थी
अर्थम सिंह क्लास 7 का किसमें कितना है दम के ड्राइंग कंपटीशन के फाइनल तक पहुंच गया है, और इस बच्चे को मैंने प्री नर्सरी से देखा है अपने स्कूल में, तो ये बहुत ही टैलेंटेड डेडिकेटेड और ऑनेस्ट बच्चा है। ये पढ़ाई में शुरू से ही अव्वल नंबर पर रहा है, और जितनी भी स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलर को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती रही हैं, वो चाहे डिक्लेमेशन हो, स्पीच हो, या इवन स्पोर्ट्स में भी, ये बहुत मन से पार्टिसिपेट करता है, और इसकी कोशिश यही रहती है कि ये हर चीज़ में अव्वल आए, और स्कूल की जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी कार्यक्रम पढ़ाई के अलावा भी हैं, उनमें ये पूरी तरह पार्टिसिपेट करे। और बहुत ही कक्षा में जो मुझे इसके टीचर्स द्वारा जो मुझे फीडबैक मिलता है कि ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव बच्चा है, शांत भी है, इंक्विजिटिव है, बहुत क्वेश्चंस पुट करता है, जो कि एज अ प्रिंसिपल मैं मानती हूँ कि बच्चों में ये होना बहुत ज़रूरी है कि वो हमें भी सोचने के लिए मजबूर कर दें। तो मेरे लिए पर्सनली और स्कूल के लिए आज बहुत ही प्राउड मोमेंट है कि हमारे छोटे से शहर में से ये बच्चा फाइनल तक पहुंचा है, और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि ये वहाँ पर भी फाइनल में भी अच्छा प्रदर्शन करे। क्या आएगा वो मुझे नहीं मालूम है, पर ये अच्छा प्रदर्शन करे, यही मेरी उम्मीद है इससे। और ऑल द बेस्ट बोलूँगी मैं इसको, और मैं खासकर चैनल वालों को धन्यवाद दूंगी कि वो इस तरह के कार्यक्रम स्कूलों में जाकर या शहरों में जाकर करवा रहे हैं, जिससे कि बच्चों की जो प्रतिभा है वो बाहर निकलती है और बच्चों को बहुत प्रोत्साहन मिलता है। तो मेरी चैनल वालों से यही गुजारिश रहेगी कि आपने जो ये कदम लिया है, इसको आप हमेशा बरकरार रखें और जारी रखें। आई विश यू ऑल द बेस्ट, एंड आई नो यू आर गोइंग टू डू अ ग्रेट जॉब। तो आप अपना, अपने पेरेंट्स का और अपने स्कूल का नाम इसी तरह रोशन करते रहें, और मैं उम्मीद करती हूँ और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप इस फिनाले भी जीत कर आए। बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। Artham Singh's class teacher. Artham is a very obedient and dedicated child. He is very responsible. He has a very good hand in drawing and painting. He never misses an opportunity to draw and paint. Whenever he gets time, he uses that time in drawing and painting. He never misses an opportunity to go at any place. Wherever he comes to know that there is a drawing competition or painting competition going to be held. In our school also, we celebrate various occasions in which he takes part on Earth Day and Save the Environment. He had drawn many paintings on Earth Day also, on Save the Environment, Save Water. Here there are some pictures which we can see. He has a very good hand in drawing the cartoon characters as well as various freedom fighters. This is a picture of related to culture and tradition, and he also draws pictures of many famous personalities. You can see the various pictures he has drawn, the animal. The pictures speak itself. He puts his emotions, his feelings into the pictures.
देख सकते हैं अर्थम जो है बहुत डेडिकेटेड है, उसको जो भी काम दिया जाता है बहुत लगन से करता है। वो पिक्चर्स ड्रॉ करना, पेंट करना उसका पैशन है। वो अपने क्लासमेट्स को भी बहुत इंस्पायर करता है टू ड्रॉ, टू पेंट। क्लासमेट्स भी उसके बहुत एनकरेज होते हैं उसकी पेंटिंग्स को देखकर, और उनको भी लगता है कि हम वैसे ही पेंटिंग एंड ड्राइंग करें जैसे अर्थम करता है। हमें एज ए क्लास टीचर और के ब्लॉसम्स का स्टूडेंट होने के नाते अर्थम के लिए बहुत खुशी है। पूरा स्कूल अर्थम के लिए बहुत खुश है कि वो किस में कितना है दम के फिनाले तक पहुंचा है, और पूरा स्कूल, पेरेंट्स और पूरा स्टाफ, सभी स्टूडेंट्स के ब्लॉसम्स के अर्थम सिंह को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहते हैं और बेस्ट विशेस देना चाहते हैं कि वो जीत कर वापस आए किस में कितना है दम के फिनाले से। इसमें कितना है दम एक बहुत अच्छा शो है। वो सारे एजेस के बच्चों को पार्टिसिपेट करने देता है, और वो सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहता। और KKHD एक मल्टी टैलेंट शो है जिसमें किसी में भी कैसा भी टैलेंट हो वह उसको शोकेस करके दूसरों को दिखा सकता है। और हम जितने भी बाकी शोज देखते हैं वह बड़े शहरों तक ही सीमित रह जाते हैं, और छोटे शहरों और गाँव के बच्चों को पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलता। लेकिन KKHD एक ऐसा शो है जो हर एक बच्चे को, और वो बच्चा कहीं का भी हो तो उसको अपने टैलेंट दिखाने का पूरा मौका देता है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मैं KKHD का फाइनल राउंड जीत जाऊँ और अपने परिवार और सिटी का नाम रोशन करूँ। थैंक यू KKHD।